सियावर रामचंद्र की जय। तो आज का दिन पूरा विश्व इंतजार कर रहा था और आज फाइनली वो दिन आ गया, राम मंदिर की ओपनिंग, जहाँ देख रहे हैं पूरा राममय हुआ है, बड़ा आनंद आ रहा है देख के। तो अभी हम जा रहे हैं अपने ड्रामा प्रैक्टिस के लिए, आज शाम को ड्रामा का मंदिर कोर्टयार्ड में ड्रामा होगा, तो जैसा भी जो भी चीज होते रहेगी आपको दिखाते जाएंगे। बोले सियावर रामचंद्र की जय। यहाँ देखो भैया, राम मंदिर का क्रेज देख रहे हो, यहाँ टीवी में राम मंदिर चल रहा है और हमारे सब ब्रजवासी प्रभु जी, राधे राधे, जय श्री राम। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। तो भाई देख रहे हो, अरे ट्रैक्टर लाके खड़ा कर दिया, और सबसे बड़ी बात दिखाता हूँ मैं आपको, रुको, स्कॉन वृंदावन में लगा दिया है बड़ा स्क्रीन राम मंदिर ओपनिंग के लिए। यहाँ देखो जय, यहाँ देखो भाई, अरे देखो यार ट्रैक्टर। तो भैया कांग्रेस के जमाने में अभी प्रभु जी बता रहे थे ऐसा कोई राष्ट्रीय प्रोग्राम नहीं हुआ, जय बीजेपी जो कि धार्मिक, और शीला प्रभुपाद ने ऐसा कर दिया कि हर घर मंदिर बना दिया, जय शीला प्रभुपाद की जय। तो यहाँ देखो मंदिर में आज यहाँ पे ड्रामा होगा शाम को, तो इसमें हमारा भी छोटा सा रोल है, गेस वॉट में क्या बना हूँ, शाम तक का वेट करो। यहाँ देखो हमारे ब्रज प्रभु, पूरा मंदिर खाली आज, जय श्री राम, मजा आ रहा है भाई साहब, मेरे को तो बहुत ज्यादा ही। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। तो भाई वृंदावन पूरा खाली है, जय जय राम श्री राम, जय राम जय जय राम। तो अभी हम लोग जा रहे हैं जुगल घाट पे ना, बहुत बड़ा राम मंदिर बन रहा है मतलब दिया से, तो उसका देखने के लिए हम जा रहे हैं, क्योंकि शाम को हमको आना पड़ेगा ना, यहाँ पे ड्रामा प्रैक्टिस है, मतलब ड्रामा का फाइनल रिहर्सल जो होगा, और पूरा परिक्रम हमारे एकदम खाली। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, मदन मोहन भगवान की जय। सब टीवी के सामने कोई हाथ दिख नहीं रहा है भाई, आज का दिन तो हम ही है जो सबको ऐसा घुमा रहे, जय श्री राम, जय राम जय जय राम, जय मदन मोहन की जय। भैया वही बड़ा मंदिर क्या डालो, क्या मंदिर वही बनाएंगे, जय श्री राम माता जी। आज आज आकाश राधे राधे जी बोल रहा है, क्या बोल रहा है, अरे मैं तो जय श्री राम वाला हूँ। ओ विश्वनाथ प्रभु, जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो वृंदावन में देखो यहाँ पे भगवान रामचंद्र जी का एक बहुत ही सुंदर बन रहा है, अभी ड्रोन का फुटेज अगर मुझे मिल गया तो मैं आप लोग को ऊपर से दिखाऊंगा, अगर मिल गया तो, क्योंकि हमारे वो प्रभु जी ड्रोन का वीडियो निकालने वाले हैं, मिल गया तो मैं आप लोग को दिखाऊंगा। बहुत ही बड़ा वृंदावन में इतना बड़ा बनने जा रहा है, यहाँ पे राम मंदिर का पूरा एक स्ट्रक्चर बनेगा, दिया से बनेगा, अभी पूरा पेंटिंग हो रहा है, दिया बन रहा है, भाई मैं बता नहीं सकता, ये जो आज का दिन है ना, आप मतलब आप सिर्फ देखते जाओ ये वीडियो, पूरा आनंद आ जाएगा, पूरा राममय, यहाँ से लेके वहाँ तक समत्र विश्व, इतना खुशहाली का दिन भाई साहब जीवन में कभी किसी के आया नहीं था। एक होता है ना एक व्यक्ति खुश होता है, और आज है ना पूरा जग खुश है, पूरा जग, हर एक व्यक्ति के जबान पे सिर्फ जय श्री राम है। ऐसा ऐतिहासिक दिन हमने कभी देखा नहीं था अपने जीवन में, और ना आपने कभी देखा था और ना आपने कभी सोचा था, मजा आ गया भाई। तो यहाँ पे देखो प्रिपरेशन एकदम स्टार्ट हो चुकी है, और यहाँ तो यहाँ देखो भैया पूरा ड्रोन रेडी, यार मेरा फोन का बैटरी नहीं खत्म होना चाहिए, उड़ाओ, अरे उड़ाओ ना मेरे भाई, बोले जय श्री राम, जाओ अच्छा सा फुटेज लेके आओ यहाँ का। तो मैं सोचा आप लोग को थोड़ा यमुना महारानी के भी दर्शन करा दे, यहाँ तक आए हैं तो, क्योंकि बहुत भागम दौड़ है, और आज नसीब इतनी खराब है कि मेरी मोबाइल ना सिर्फ 20% चार्ज है, कब मेरा बैटरी डाउन हो जाए फोन पता नहीं चल रहा। बोलो यमुना महारानी की जय, जय हो यमुना महारानी की जय, जय जय श्री राधे श्याम सबको मिले श्री वृंदावन धाम। और यहाँ पे देखो वो बन रहा है ना, यहाँ पे फाइनल फुटेज थोड़ी देर में जब मुझे मिलेगा तो मैं आप लोगों को दिखा दूंगा इस ब्लॉग के माध्यम में, मजा आ रहा है भाई साहब, मतलब कुल मिला जुला के दिन इतना खुश हो रहा है ना, ऐसा आनंद सा अनुभव हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कुछ हर्षोल्लास, अलग ही एक्सपीरियंस है भाई ये तो। और अभी तक आप लोग से किसी ने पता नहीं पाया कि मैं बना क्या हूँ ड्रामा में। तो ये मंदिर का शिखर है, मतलब शिखर, और वहाँ पे शंख बन चुका है, और यहाँ पे ये देखो दिख रहा है। तो बच्चों आज क्या है, बोलो सियावर रामचंद्र के जय श्री राम, जय जय श्री राम। हम लोग शाम को पटाखे फोड़ेंगे, पटाखे पटाखे, अभी 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 नहीं, अभी मैं जाऊंगा तब लेके आऊंगा, शाम को मैं आऊंगा। लेके आना, अरे आज रामचंद्र जी का आ रहे हैं तो पटाखे तो फूटेंगे। भैया रस्सी मैम, भैया नहीं नहीं जुलाऊंगा जुलाऊंगा,
मैं बात करता हूँ, चलो चलो मेरे को जाने दो। क्या गया फोन चार्ज करने के लिए भाई, ये फोन नहीं चार्ज रहेगा तो मैं आप लोगों को कुछ दिखा नहीं पाऊंगा ना भाई। जल्दी दरवाजा खोलो यार। सियावर रामचंद्र की जय। ये देखो भैया, बहुत बहुत धन्यवाद नरेंद्र मोदी जी, योगी जी, आप सबको राम राम। जय श्री राम। आज हमारे राम आ गए। जय श्री राम। जय हो। सदियों की प्रतीक्षा के बाद हमारे राम आ गए। जय श्री राम। सदियों का अभूतपूर्व धैर्य, अनगिनत बलिदान, त्याग और तपस्या के बाद हमारे प्रभु राम आ गए। इस शुभ घड़ी की आप सभी को, समस्त देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। वेलकम टू उड़ता बीकेडी। आज व्लॉगर चेंज हो गया हमारा, इसने एक नया हायर किया बंदा, मेरे को ये 1,00,000 रुपए पर डे देगा व्लॉग बनाने का। आकाश देगा 1,00,000 रुपए भाई, जिस दिन आएगा ना। 1,000 व्यूज आते हैं, 1,000 दो व्यूज आते हैं। इसका हेलमेट देखो ना, हेलमेट। ए बकवास। हम अभी मोदी जी की स्पीच सुन के आ रहे हैं। मंडी में बोला था निकालने के लिए, हम नहीं निकालते। ये जटायु हमारे गोल्डन जटायु, गोल्डन जटायु, उड़ता आकाश, आज उड़ता जटायु बन गया। उड़ता जटायु ऐसा लग रहा है कि जटायु को पंख ही नहीं है, पंख होता तो और उड़ूंगा कैसे। अभी उड़ूंगा, उड़ ही रहा हूँ अभी, माता जी से पंख लो। तू ऐसा करियो, जो छत है, छत हमारी हॉल की, नहीं जो जो कॉरिडोर, सुन जो कॉरिडोर की छत है ना ऊपर, वहाँ चढ़ जाइयो, उसे कूद के आइयो भाई। ऐसे जटायु ऊपर से कूद के आ रहा है, सोच ऐसे कूद के आ रहा ऊपर से जटायु। तार होना हाँ। जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय केशव गीता नर हरि रूप, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। महामहोत्सव की जय। जय श्री सीताराम। जय जय ये हमारा चिरकाल का स्वप्न साकार होगा। मेरा बहुत सौभाग्य है कि आज इस दिन को मैं अपने नेत्रों से देख रहा हूँ। मेरे पिताजी जिन्होंने मुझे शरीर को जन्म दिया, वो उस समय सत्याग्रह करके जेल में थे, बाराबंकी जेल में उन्होंने 15 दिन निकाले थे उस समय। तो आज उनका, वो इस वक्त इस धराधाम पे नहीं है वो, लेकिन वो अयोध्या में है, वो इस उत्सव को अपने नेत्रों से देख रहे हैं। और ये पूरे विश्व में जो उत्सव हो रहा है, ये हनुमान जी महाराज उत्सव कर रहे हैं, क्योंकि हनुमान, ये राम जी का उत्सव हनुमान जी कर सकते हैं, उनके दास्य भक्त के आचार्य हैं। तो ये हम सब लोग हनुमान जी के आनुगत्य में उत्सव कर रहे हैं, ये हमारा बड़ा सौभाग्य है कि हम इस दिन को अपने नेत्रों से देख रहे हैं। जय श्री राम। उड़ता आकाश, उड़ता जटायु बन रहा है, मतलब पहली बार में ऐसा कुछ, पहली बार मेकअप ऐसा कुछ लगवा रहा हूँ, मतलब तो रुमाल से मुंह साफ कर लिया वही बहुत है। हेलो, उतर रहे हो जटायु, प्रभु जी को भी सॉक्स उतारने होंगे या सॉक्स उतारने हैं सबको? सॉक्स सबको उतारने, प्रभु जी मैं रख के आऊंगा। राम जी तो ये हमारे जटायु जी रेडी है, साउथ अफ्रीका से, साउथ अफ्रीका से भागे हुए जटायु जी। टोपी ले लू क्या? जिंगल लल्ला हूँ, जिंगल लल्ला कैसा दिखाऊं मेरे को पहले? अरे भाई भयंकर लग रहा हूँ,
अच्छा लग रहा खून पी गया। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। चार सपना उन राक्षसों के वध के लिए मैं आपसे आपके पुत्र राम को मांगने आया हूँ। राम के बिना महाराज दशरथ राम वीर है, क्षत्रिय है, रघुवंशी है, बच गया। कुल की मर्यादा भंग होते होते बच्चे तुम्हारे जैसा पुत्र पाकर मैं धन्य हुआ हूँ। राम शीघ्र ही आपकी धरोहर आपको सकुशल लौटाने आऊंगा। राजन, भारतवर्ष का संपूर्ण ब्राह्मण समाज आपके इस कार्य को सदा स्मरण रखेगा। आइए मैं आपके साथ राजा तक। जिसका घर था उसे बसा लिया। तो कोई आपसे सीखे जगह में रखी हुई वस्तु को उठाकर हृदय में रख लिया। नहीं जानती, आप राम के हृदय में निवास करती। राम की बेटा महारानी मंथा, मैंने कितनी बार कहा है कि मेरे राम के विषय में कुछ हो पाए तो क्यों मुझे क्रोध दिलाती हो? करना चाहता हूं मैं बालाश्री युद्ध इससे भारत से माता और पुत्र ने मिलकर जो षड्यंत्र रचा है मैं उसे अपने बाणों से छली छली कर दूंगा। आपको स्मरण है बालाश्री, जब राज्य के उत्तरदायित्वों का बंटवारा हुआ था तब पिताश्री ने राज्य की सुरक्षा का भार मुझ पर सौंपा था। अब मैं अपना वही उत्तरदायित्व निभाऊंगा। पंडित मुस्ता योद्धा त्रिभुवन मेरा कोई दूजा है। इस शंकर को मैंने पूजा है। जय शंकर के।
हो गया हो गया भैया। हम लोग का ड्रामा खत्म हो गया, मजा आ गया। यहाँ देखो सब बैक स्टेज है भाई, ऐसा लग रहा है खून पिया हूँ। देखो आपका फोटो आ गया राम के साथ, भाई राम, राम भाई। ये हमारा भारत है भाई, देख रहे हो ये, और आपको कहीं संभव नहीं होगा। लोगों के आंखों में आंसू था, लिटरली लोग रो रहे थे। ये है हमारा भारत और ये है रामलीला, दिल खुश हो गया। तो यहाँ देखो आज दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि हरे कृष्ण। अब देखो पूरा मंदिर दिया से सजा है, और जस्ट हमारा भी ड्रामा कंप्लीट हुआ। बड़े भाग्य से उर्सा आकाश को जटायु का रोल मिला, ताकि वो अपने जो भी छोटी मोटी सेवा मिली भगवान की करने को, वृंदावन में कृष्ण बलराम मंदिर के सामने भगवान के सामने सेवा करने का मौका मिला। बड़ा आनंद आया। तो आप देखते हैं आगे हम कहाँ जाते हैं, फिर आप लोग को मिलाते हैं। ब्रजप्रभु चलो। तो पूरे मंदिर को भाई इतना सुंदर सजा दिया है कि आप देख रहे हो चारों तरफ। वास्तव में आज राम मंदिर का ओपनिंग मतलब पूरा इतिहास याद रखेगा, और आनंद आ गया। यहाँ देखो भक्तों को देख के तो एक अलग ही आनंद है। और आज ना मंदिर में टिकली सब दिया दिखा रहे हैं, और मजा आ गया भाई। ड्रामा प्रैक्टिस के बाद देखो हम सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, निकालना ब्रज को मेरे लिए भी। आज पूरे ब्रज को दुल्हन की तरह सजाया भाई, जय हो राधा रानी की। बढ़िया भरपेट पास्ता खाने को मिल गया, सेवा हो गई। अब देखते कहाँ जाते हैं हम। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रसाद ले लिया मैंने, ले लिया। जय श्री राम, जय श्री राम। भैया बाकी तंत्र लगा रहे क्या, वृंदावन को भाई सजा दिया है। महारानी सारे राधे राधे बोलो, मस्ती में हो लो, बरसाने में डोलो। भैया जुगल घाट, और यहाँ हो रहा है बड़ा सा प्रोग्राम, घुमा ले भाई, अंदर ले ले भाई गाड़ी है दिल वाली। यहाँ हो रहा है प्रोग्राम बढ़िया वाला, और यहाँ पे शायद बुझ भी गया होगा। नहीं होगा अभी, छोड़ रहा है थोड़ा थोड़ा मिल जाएगा। आज उड़ता काश बिना जटायु काश, उड़ता जटायु, उड़ता जटायु। आने में मुझे थोड़ा लेट हो गया, बट अभी भी बहुत लाइट जल रहा है। ये देखो भैया आसमान में आतिशबाजिया भाई, पूरे मतलब मोदी भी अभी मैं देख रहा था, वो अपने रेसिडेंस में पूरा एकदम दिया जला रहा है। पीछे भी आ गया भाई, अरे इधर भी आ गया, कहाँ कहाँ शूट कर रहे इंसान। गेस करो ये वृंदावन में राम मंदिर कहाँ है, ये ऐसी जगह पे है जहाँ से सब लोग देखते हैं। नहीं समझ में आ रहा कहाँ पे है, ये परिक्रमा मार्ग है, पुलिस चौकी है, उसके जस्ट बगल में राम मंदिर है। और हम बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं कि वृंदावन में राम मंदिर है कहाँ पे, और यहाँ पे राम जी की आरती हो रही है। तो हम सब चल रहे हैं साथ में, दर्शन करेंगे और कृपा प्राप्त करेंगे। आओ मेरे साथ, जय श्री राम।
तो आओ भैया आरती ले। जगन्नाथ क्या कर रहे हो बेटा? जब पहुंचने के बाद क्यों कर रहा मस्ती? जय श्री राम। आज का दिन भाई साहब मैं पूरे जीवन नहीं भूल सकता। इतना प्रोडक्टिव डे, मतलब पूरा दिन जिसको हम बोल सकते हैं पूरा कृष्णा कॉन्शियस, पूरा सुबह से लेकर शाम तक भगवान की सेवा में। और नसीब इतनी अच्छी थी कि भगवान रामचंद्र जी ने मुझे छोटा सा सेवा का मौका दिया, रामलीला में जटायु बनने का, मतलब उड़ता आकाश जटायु। अच्छा लगा एकदम, दिल खुश हो गया। आज तो बहुत सारी चीजें हुई और कमेंट बॉक्स में आज सारे लोग, पहली बात तो देखो जितने लोग ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी कर लो ठीक है प्लीज, और वीडियो को थोड़ा शेयर कर देना सो दैट सबको पता चले कि भाई वृंदावन में ये सारी चीजें हुई थी। हरे कृष्णा बोलो जय श्री राम।